वज़ीर-आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वज़ीर-आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से केपी हाउस एनेक्सी खाली करा ली। अली अमीन गंडापुर ने केपी हाउस इस्लामाबाद से गवर्नर का सामान बाहर निकलवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी केपी के हाउस आने पर भी पाबंदी लगा दी। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बरिस्टर सैफ की एनेक्सी खाली कराने की तस्दीक कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया गया। फैसला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बुजरा और मेंबरान असेंबली के लिए रिहाइश का मसला था। गवर्नर नेक्सी फिलहाल मेंबरान सूबाई असेंबली और बुजरा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फिलहाल सिंध हाउस में क्याम का बंदोबस्त करें। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता, आर्टिकल 121 और 22 में सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल कहते हैं गवर्नर हाउस एक अवामी जगह है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, किसी को भी सूबे पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ूंगा, सियासी जंग में कभी नहीं पड़ूंगा, गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत दी है कि गवर्नर हाउस आ जाए, अगर अली अमीन यहाँ नहीं आ सकते तो मुझे वज़ीर-ए-आला हाउस बुला ले। ताजिर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप ना लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई होगी। IMF की नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज। नॉन फाइलर्स के बैंकों से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकलवाने पर 0.6% एडवांस टैक्स पहले ही आयद है। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज। आइंदा बजट में गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज। बजट में 1300 CC से जायद की इम्पोर्ट गाड़ियों पर मजीद टैक्स बढ़ने का इम्कान। गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर भी ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में 6ठे शेड्यूल में मौजूद टैक्स रियायतें भी कम करने पर गौर। IMF के साथ अहदाफ पूरे ना हो सके, पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न होने के बायस सख्त तशवीश का इजहार किया गया। रवा माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए पर कंट्रोल करना था। 150 अरब रुपए से जायद का गर्दिशी कर्जा रवा माली साल के दौरान बढ़ेगा। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ प्री बेसिंग बर वक्त करने की यकीन दहानी करवा दी गई। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा में इजाफा रोकने के लिए तजवीज के साथ प्लान मांग लिया। मुदाखलत के शवाहिद ले आए, हम आपके साथ खड़े हैं। सेनेटर फैसल वाबडा की जस्टिस बाबर के खत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देना होंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का हम फुटबॉल बनाएंगे। अगर इदारों में कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दे। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? जजेस को शफाफ होना चाहिए और इल्जाम से दूर होना चाहिए। सरहदों पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे खत का जवाब जल्द आएगा और हम लेकर रहेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, लेकिन मैं कभी ऐसी शर्मनाक हरकत ना करता जो कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने की है। और जो कानून वजीर कानून अगरचे वो उसको मैंने उंगली पकड़ के कानून सिखाया, मेरे चेंबर की पैदावार है, लेकिन ऐसी बातें मैंने उसे कभी नहीं सिखाई थी जो कुछ वो कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून तर्दीद करने वाले कौन होते हैं? लतीफ़ खोसा का अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा, कहते हैं अगर जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही की है तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होने थे। तौहीन अदालत की कार्रवाई होने पर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून मैदान में आ गए। अटॉर्नी जनरल का बयान इनके मनसब के खिलाफ है। वज़ीर कानून को उंगली पकड़ कर कानून सिखाया, लेकिन ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी।
पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस बात को मना कर रहा हो कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता या प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सजा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने की कानून में ममानियत नहीं, प्रॉपर्टी खरीद कर डिक्लेयर ना करने पर कार्रवाई होती है। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौर कहते हैं पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं लेकिन यहाँ वो माहौल ही नहीं। भारत के शहरी अपने मुल्क में ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कारोबार में आसानी, जमीनों पर कब्जे और सरकारी इदारे हिरासा न करें तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जब हुक्मरान तबका मुल्क से बाहर सरमायाकारी करेगा तो पाकिस्तान में पैसा कौन लगाएगा? मुतालबा करते हैं ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि ऐसे अनासिर पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए गैर महफूज बनाते जा रहे हैं। हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। क्या सियासतदान, फौजी जनरल और ब्यूरोक्रेट्स कौम को बताएंगे कि ये दौलत कहाँ से कमाई, दौलत किस तरह बाहर भेजी? कौम को जवाब चाहिए, मनी ट्रेल सामने लाई जाए। दुबई लीक्स में दो खानदानों समेत ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं। हम पैनामा केस को मंतकी अंजाम तक तो ना पहुंचा सके, दुबई लीक्स को पहुंचाना चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की फैमिली ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। जब भी कोई मालियाती स्कैंडल सामने आया इनके नाम जरूर शामिल होते हैं। हुकूमत IMF के 1 अरब के लिए मिन्नतें कर रही है। दुबई में 12 अरब डॉलर मौजूद है। माफी के बजाय ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, मामला आपस में बैठ कर हल होने चाहिए। दुराने इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाप्त हुई अदालत में निकाह खां मुफ्ती सईद का वीडियो बयान चलाया गया। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि वीडियो बयान चलाने का मकसद मुफ्ती सईद का किरदार सामने लाना है। मुफ्ती सईद ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बात से मुकर गए। वीडियो बयान मुफ्ती सईद को झूठा साबित करने के लिए काफी है। अपनी इद्दत से मुतालिक औरत की गवाही हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन की इद्दत पर फैसला दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला तब्दील कर सकती है। जज शाहरुख का रिजवान अब्बासी की मुआवन वकील से इस्तफसार किया। रिजवान अब्बासी से राब्ता करके बताया कि ई कोर्ट के जरिए दलाइल थे। अदालत ने केस की समाअत रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुतल्लिक खुसूसी इजलास, पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ से आगाह किया। मरियम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दे दी। 1,000 एलिमेंट्री स्कूल में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साल प्लान का शेड्यूल तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। जब हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे थे उसी वक्त कराची के गटर में बच्चे डूब रहे थे। शहर कायद में लोगों के पास पीने का पानी नहीं। MK रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में खिताब, सदर जरदारी की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ वो किसी तौर भी अच्छा नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इससे बैरून मुल्क अच्छा तासुर नहीं गया। मिस्टर गौर ने बाहर जाकर कहा हमने आसिफ जरदारी को 21 तोपों की सलामी दी। आसिफ जरदारी को कराची के मामले में मुस्बत पाया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद सदर मुमलिकत के इल्म में नहीं। हत्या की इज्जत का नया कानून लाने पर सब मुत्तफिक है। लोगों की पगड़ियां उछालकर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है कि हुकूमत बेहतरी लाने की कोशिश करे तो तनकीद बराए तनकीद शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ हत्या की इज्जत के नोटिस की परवाह नहीं की जाती। हत्या की इज्जत के नए कानून में पुलिस का कोई किरदार नहीं। इजहार राय पर कोई पाबंदी लगा सकता है ना ही होगी। इजहार राय की आड़ में किसी को गलत काम करने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुतलिक दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौके पर अपनाया, फजल मीर भाई की जमानत के बाद उसे जेल से लेने गया था, नामालूम अफराद उसे जबरदस्ती साथ ले गए। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क दिए, ये क्या मजाक है,
एक भाई को जेल से निकालकर दूसरे को गायब कर दिया। इस किस्म के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अदालत का महकमे दाखिला सिंध को फौरी GIP तश्कील देने का हुक्म। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से 29 मई को जवाब तलब। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध के जिला दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सखर का पारा 45, मिट्टी नवाबशाह 44, कराची का 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बहावलपुर का दर्जा हरारत 45, डीजी खान 44, मुल्तान में 43 तक जाने की तवक्को। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा, कल्लात, तुरबत, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सबात में मतला, अबर आलूद, बलोचिस्तान के गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। सर्द इलाकों में मौसम गर्मा की 10 रोजा तातीलात 22 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी।